हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडिया जॉब सब सो फ्रेंड्स एक और ज़बरदस्त वैकेंसी के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 40 यानी कि बम्पर भर्ती यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स की आ चुकी है साथ में ही यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी मिलने वाली लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है तो फ्रेंड्स इस बार जो वैकेंसी जारी की गई है कहाँ से जारी की गई हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं लैब टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी हैं रेडियोग्राफी कितनी वैकेंसी है एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाएगा आवेदन आपको यहाँ पे कैसे करना है और जो है आवेदन शुल्क क्या रहेगा इन सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी तो वीडियो को बिना स्किप के हुए लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करके आह के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया जाए किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सो तो फ्रेंड्स बट चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ और ऑफिशियल अपडेट की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ये जो पी डी एफ़ है इसको अगर आपको पाना है तो आपको जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए वहाँ से आप इसे पी डी एफ भी इजली प्राप्त कर सकते हैं सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की हैं तो इंडियन रेलवे की ये वैकेंसी जो यहाँ पर जारी की गई हैं तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है तो फ्रेंड्स पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर सबसे पहले रीड करते हैं दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को जाएगा डेट आप देख सकते हैं सत्ताईस जनवरी को यह नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं कराया जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर जो है आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी भी यहाँ पर है और बहुत ही जो है अच्छा यहाँ पे चांस है क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर आपका चयन होना है तो यहाँ पर इंटरव्यू की डेट भी अभी आप आपको आगे बताई जाएगी तो यहाँ पर आप सबसे सब पहले नोटिफिकेशन डिट करें कि दिया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के लिए संविदा आधार पर पैरा मेडिकल स्टाफ को संलग्न करने हेतु तो अधिसूचना तो यहाँ पर जो है पैरा मेडिकल स्टाफ को जो है यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है रायपुर मंडल जो है दक्षिण मध्य पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर मंडल वहाँ पर जो है ये पैरा मेडिकल की वैकेंसी पैरा मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते दिया गया है कोविड नाइन्टीन महामारी से संबंधित तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे अस्पतालों स्वास्थ्य इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए संविदा आधार पर पैरामेडिकल कर्मचारियों को संलग्न करने का निर्णय लिया गया यानी कि जो है उनसे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं अपेक्षित अपेक्षित योग्यता आयु अनुभव एवं अन्य नियमों तथा शर्तों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवार परिशिष्ट एक में दिए गए प्रारूप में आवेदन पत्र को विधिवत भरकर सभी संबंधित प्रमाण पत्रों प्रशंसा प्रमाण पत्रों की प्रत्येक की प्रत्येक की मूल और स्वसत्यापित प्रतियोग के साथ वाकिन इंटरव्यू के लिए चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सके सकते हैं तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है डायरेक्ट आपका यहाँ पर जो है वाकिन इंटरव्यू रहने वाला तो वाक इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा इसकी जानकारी अभी आपको आगे दी जाएगी और यहाँ पे जो वाकिन इंटरव्यू आपका होगा उसमें आपको जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं और भी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके उनके साथ उनको जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है और जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यहाँ पर जो है फोटो भी लेकर जानी है एक सेट आपको फ़ोटो कापी पर जो है सेल्फ़ अटैच करके लेकर जाना है तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन कैसे करना है इसको भी आप आगे देख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं वैकेंसी टेबल की ओर तो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी टेबल यहाँ पर दे दिया गया है इसमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या देख सकते हैं पद का नाम दिया गया पदों की संख्या कितनी है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी तकनीकी योग्यता क्या है और आयु सीमा क्या रहेगी मेडिकल मानक यानी कि किस कैटेगरी की पोस्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट रहने वाली है ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ नर्स की है चालीस पद यहाँ पर रहने वाले तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है और फ्रेंड्स इसकी सैलरी भी यहाँ पे आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है अब बात करें स्टाफ नर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल अथवा किसी अन्य संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में तीन साल का कोर्स करने के पश्चात पंजीकृत नर्स एवं मिडवाइफ़ के रूप में प्रमाण पत्र अथवा बी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास यानी कि आप, आपने अगर जे किया है या फिर बी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग किया हुआ है या बी एस ऑनर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आप अप्लाई करें और यहाँ पर आपके के पास जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आई का जो है रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और जो है यहाँ पर यहाँ पर आगे जो दिया गया है वेंटिलेटर पर आई मामलों के प्रबंधन में अनुभवी उम्मीदवारों को वरीता दी जाएगी या संक्रमित पृथक रोगियों के अनुभवी उम्मीदवारों को वरीता दी जाएगी यानी कि आपको अगर वेंटिलेटर और आई को मैनेज करना अच्छे से आता है तो आपको यहाँ पर जो है वरीता मिलने वाली है या फिर जो है जो आपका संक्रमित या पृथक रोगियों के अनुभव होता है तब भी आपको यहाँ पर वरीता मिलने वाली है तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करें सो so फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है यानी कि किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपका पास किसी भी स्टेट का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो चाहे आपका यूपी का हो चाहे एम का हो चाहे बिहार का हो चाहे पंजाब का हो चाहे केरला का हो किसी भी स्टेट का हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अब बात करें स्टाफ नर्स की जो एज लिमिट है वो क्या है बीस से चालीस वर्ष और क्लास वन यानी कि देख सकते सी वन लिखा हुआ है क्लास वन की ये पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के यहाँ पर दो वैकेंसी है टेन प्लस टू होना चाहिए आपके पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का जो है डिप्लोमा या फार्मेसी एक्ट के तहत जो है आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए या फिर आपके पास बी फार्मा यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पे देखी जाए तो एज लिमिट 20 से 33 साल की गई क्लास टू की वैकेंसी रहने वाली है बी सी टू आप देख सकते हैं फिर लैब अधीक्षक यहाँ पे थर्ड नंबर देख सकते हो दो पद हैं आपके पास फिजिक्स यहाँ मान्यता प्राप्त संस्थान से बायो केमिस्ट्री में बी या मोर बायोलॉजी लाइफ साइंस या समकक्ष तथा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डी का डिप्लोमा या टे मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी होना चाहिए यानी डीएमएलटी है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी बायोलॉजी मलाइफ साइंस से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए अट्ठारह से तैंतीस साल एज रखी गई और बी वन क्लास की ये नौकरी है इसके बाद जो है आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर की यहाँ पे तीन वैकेंसी हैं आपके पास टेन प्लस टू में जो है भौतिक एवं रसायन विज्ञान होना चाहिए तथा तो रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पर दो वर्ष का आपके पास कोर्स होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इसका होना आपके पास अनिवार्य है विज्ञान से अगर स्नातक है या रेडियोग्राफी है एक्सरे टेक्नीशियन है तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं वरिता इनको यहाँ पर दी जाएगी एज अगर बात करें तो एज यहाँ पर उन्नीस से तैंतीस साल रखी गई है और बी क्लास की ये यहाँ पर जो है जो आपकी जॉब रहने वाली है यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं चालीस पद स्टाफ नर्स में हैं दो फार्मासिस्ट में हैं दो लेब्रिक्षक में हैं और यहाँ पर तीन जो है रेडियोग्राफर तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल यहाँ पर फोर्टी सेवन रहने वाले जिसमें कि चालीस जो है अकेले स्टाफ नर्स की रहने वाली हैं अब यहाँ पर हम बात करें यहाँ जो है आपका में कितना सैलरी कितनी मिलने वाली तो सैलरी आप यहाँ पर दे सकते हैं दिया गया है आपका जो स्टाफ नर्स का यहाँ आप पर आपको बेसिक पे यानी कि मूल वेतन डी एस आर ए परिवहन यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन और एच आर ए वगैरह जो मिला के सवन सी बी सी के स्वे� अनुसार जो है लेवल सेवन में आपको जो है चवालीस हज़ार नौ सौ रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपकी सैलरी भी रहने वाली है बहुत ही अच्छी जॉब यहाँ पर आप लोगों के लिए है फार्मासिस्ट की आप दे सकते हैं उनतीस हज़ार दो सौ रुपये यहाँ पर सैली है लैब शिक्षक की यहाँ पर पैंतीस हज़ार चार सौ रुपये सैली रहने वाली है और रेडियोग्राफर की भी यहाँ पर उनतीस हज़ार दो सौ रुपये सैलरी रहने वाली तो बहुत ही अच्छी सैलरी भी है क्योंकि इंडियन रेलवे है तो इंडियन रेलवे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब यहाँ पर रहने वाली है और तो सैलरी भी यहाँ पर आपकी ज़बरदस्त बनने वाली है अब इसके बाद यहाँ पे बात करें मार्केट इंटरव्यू का तो वाकई इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग अभी आप सबसे पहले हम यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट आप दे सकते हैं रिपोर्टिंग आपको कहाँ करना है यहाँ पे दिया गया चैन का तरीका समय सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर वाकई इंटरव्यू जो है आपका साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा परंतु वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति के कारण वाकिन इंटरव्यू जो है व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप स्काईएप जूम आदि के माध्यम से आयोजित की जाएगी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना सही मेल आई और फोन नंबर आवेदन में अंकित करें तो यहाँ पर जो है आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू ऑनलाइन यहाँ पर लिया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए स्काईएफ के थ्रू या जूम के थ्रू यहाँ पर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो इस इसके लिए आपको सही ईमेल आईडी जो है आवेदन पत्र में आपको देना होगा सही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही से अंकित करके भेजना है किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए अब यहाँ पे चयन का तरीका दे दिया गया है कि समय क्या रहेगा तो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय ई रेलवे डब्ल्यू आर एस कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़ केंद्रीय विद्यालय के निकट के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से वाकई इंटरव्यू होगा तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बोला गया है और यहाँ पर अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी लिया जा सकता है तो ऐसे में आप दोनों तरह से तैयार रहें व्यक्तिगत रूप से आपको यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा अब यहाँ पर रिपोर्टिंग का टाइम आपका दे दिया गया है कि रिपोर्टिंग का टाइम आपका साढ़े नौ बजे रहेगा अगर आप यहाँ पर जो है आपका पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाता है तो अब यहाँ पे बात करें जस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं इनका इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग की तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की जो पद है उसका टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं दस से एक साढ़े एक बजे तक फिर डेढ़ बजे तक और ढाई बजे से साढ़े बजे तक यहाँ पर आपका इंटरव्यू यानी कि दो शिफ्ट में आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला सभी पोस्टों के लिए दो शिफ्टों में आपका इंटरव्यू होना चाहे फार्मासिस्ट फार्मासस्ट हो चाहे लैब अधीक्षक का हो चाहे रेडियोग्राफर का हो सभी का इंटरव्यू दो शिफ्ट में यहाँ पर रहने वाला है और फार्मासिस्ट की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं चार दिनों में इंटरव्यू होना है यहाँ पर आपका सात फरवरी 2022 हज़ार बाईस आठ फरवरी 2022 हज़ार बाईस दो फरवरी 2022 और दस फरवरी 2022 तो सात फरवरी को जो है आपका ए से जी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है और जी से शुरू होता है ए बी सी डी ए से लेकर जी के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो है इंटरव्यू सात फरवरी को होना है फिर एच से लेकर एल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू आठ फरवरी को होना है फिर एम से लेकर एस तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो इंटरव्यू है नौ से बाईस तक होना है और टी से लेकर जेड तक जितने भी कैंडिडेट का नाम पड़ता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उसके जितने भी उस उस नाम के जितने भी कैंडिडेट गे डेट पढ़ते हैं उसमें लेटर जो आते हैं स्टार्टिंग लेटर जिनका होगा उनका इंटरव्यू यहाँ पे 10 फरवरी को रहने वाला है फिर फार्मासिस्ट का यहाँ पे 11 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है ए से जेड तक 12 तारीख को जो है ए से जेड तक लैब अधीक्षक का और रेडियोग्राफर का जो है चौदह तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है ए से जेड तक के सभी कैंडिडेट्स का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स आपको दे दी गई किस डेट में किसका इंटरव्यू होने वाला है और कैसे इंटरव्यू होगा इसका भी ऊपर आपको डिटेल दे दिया गया है अब यहाँ पर बात करें कि आपको कि जो भी आवश्यक दस्तावेज हों क्या क्या लेकर जाना है तो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे दे दिए गए हैं इन सभी को आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आपको दो नवीन पासपोर्ट साइज़ के आकार के फोटो ले जाने है प्रमाणित करके मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षिक तकनीकी व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको ले जाना है जन्म तिथि दर्शाने वाले प्रमाण पत्र यानी कि सैनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको पास कंपलसरी होनी चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र और अनापत्र पत्र और आधार कार्ड एवं पैन कार्ड यहाँ पर लेकर आपको जाना है संविदा की अवधि वगैरह सारी चीज़ दे दी गई हैं और साक्षात्कार आपका यहाँ पर डायरेक्ट होने वाला और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप दे सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप सभी नोटिफिकेशन मिल पा सकते हैं अब यहाँ पे बात करें आवेदन पत्र की तो आवेदन प्रारूप यहाँ पे दिया गया है इसको आप प्रिंट करके इसमें आप अपना यहाँ पे फोटो लगाएंगे और सारी डिटेल यहाँ पे पूरा नाम आपको देखना पिता का नाम जन्म तिथि सारी डिटेल यहाँ पे एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये फॉर्म आपको अवेलेबल है हिंदी में अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हैं और इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो फॉर्म यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं तो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है आपको आवेदन पत्र भी यहाँ पर दे दिया गया है अगर आप नोटिफिकेशन इंग्लिश में पढ़ना जाए तो ऊपर यहाँ पर इंग्लिश में भी इसकी नोटिफिकेशन दी हुई तो आप इंग्लिश में भी इसको रीड कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो है आवेदन कैसे करना है आवेदन कहाँ पर भेजना है इन सब की जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होने वाला है तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है तो फ्रेंड्स पूरी नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर बिल्कुल ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम का डि लिंक यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है तो वहाँ से अगर आपको पीडीएफ डी पाना है तो आप यहाँ से पीडीएफ भी पा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर ये पी आसानी से आपको मिल जाएगी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जय हिंद जय जै भारत